यहाँ जी मैं बाज़ार आई थी, हिना जी ने जो एक दुपट्टा मुझे दिया था कि उसको अच्छा सा डिज़ाइन करके बनवाएं, तो काफ़ी टाइम जी मेरा उस दुपट्टे पे लग गया और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसा ही बनेगा एक दो दिन में तो मैं आपके साथ ज़रूर जी अपना वो दुपट्टा शेयर करूँगी। जो उन्होंने मुझे शर्ट दी थी, आपने वो शर्ट देखी भी है मेरे ब्लॉग में, तो देखिएगा जी उस दुपट्टे को मैंने कैसे बनवाया है अपनी डिज़ाइनिंग करके कि उसके साथ अच्छा लगे, डिसेंट लगे, ओवर ना लगे। तो लैसे नहीं है, लैस को डाई करने के लिए दी है, दो तरह की लैस उसमें मैं यूज़ करूँगी, सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर पर ही, अंदर उसके अंदर लैस यूज़ नहीं करूँगी। और उसको मैंने डाई करवाया है, डाई उसको मैंने किस तरह करवाया है वो भी इंशाल्लाह जी मैं आपको दिखाऊँगी। तो एक और दुपट्टा था उसका ऑर्डर है, पर वो जो प्योर थी वो फ़िलहाल जो उसका थान था जी वो ख़त्म था। तो इस तरह की चीज़ के लिए मैंने एक ही शॉप रखी हुई है जहाँ से प्योर दुपट्टे मिलते हैं, क्योंकि आपको एक तसल्ली होती है कि यहाँ से चीज़ ठीक मिल रही है और आपको पकड़ के देख के भी पता चल जाता है चीज़ का। तो वो इंशाल्लाह एक दो दिन में जो दुपट्टे उनके आ जाने, उनका माल आना है, फिर मैं वाइट दुपट्टा एक बनाऊँगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसकी डिज़ाइनिंग मैंने किस तरह की है। वो दुपट्टा बन के जाना है जी यूके। और जो हिना जी का दुपट्टा है ये भी यूके वाली है जी, इनका दुपट्टा भी यूके जाना है। सूट जब वो पहनेंगी, दुपट्टा ऊपर लेंगी तो आपको दिखाएंगी, जब बन के भी उनके पास जाएगा तभी भी दिखाएंगी, और जब बन के मेरे पास आएगा जी मैं भी दिखाऊँगी, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि आज हिना जी का जी दुपट्टा मैंने बनने के लिए दिया है। यहाँ से जी पीऊँगी मैं मीठों का जूस, एक गिलास ज़रा ठंडा सही बना के ला दें, ठीक है। प्यास लग गई जी बाज़ार में, तो मैंने कहा चलें जी फ्रेश जूस मीठों का पीते हैं हम। बाकी आपने रौन के शौन के यहाँ की सारी देख ही ली है जी, ये एक किस्म की जी फूड स्ट्रीट ही बन गई हुई है, फूड की काफ़ी दुकानें हैं, जूस की, इधर जाए तो फ्लावर्स की हैं शॉप्स। तो हर शहर में जी कोई ना कोई रोड इस तरह के होते हैं जहाँ पे आपको बड़ा ही मज़ा आता है। ये ले जी जूस, इतना पी के मुझे याद आया, ओ हो आप लोगों को तो मैंने खाया ही नहीं है हजम कैसे होगा जब तक मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। फिर आपने कहने थे बड़े बड़े गिलास भी जूस के भर के पी जाती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है जी, जितना इंसान का रिस्क है उसने इतना ही खाना है। ऐ थोड़ी होता कहीं बंदा पटेट डाल भी बांध लवे, और अल्लाह का शुक्र है जी हम खाते हैं, शुरू से ही खाते हैं, माँ बाप के घर से आ जाते हैं, यानी कि सौरों ने घर आके खाना शुरू किया है। तो ये जी बड़ा ही ज़बरदस्त मीठा सही फ्रेश जूस है, तो ये जी हम पियेंगे, ठीक है।